A very sweet good morning, all of you. How are you? I hope you all are fine. फ्रेंड्स शायद आई होप सभी ने आप टाइप्स ऑफ लिगेंड स्टडी कर लिए होंगे जो मैंने आपको कल बताया था कि फ्लेक्सिडेंटेट क्या होते हैं, एम्बाइडेंटेट लिगेंड क्या होते हैं, ठीक है। फर्दर जो क्लासिफिकेशन हमने देखी थी और आपने एग्जांपल्स भी याद कर लिए होंगे और वो जरूरी भी है, ठीक है। फ्री के नंबर मिलते हैं, यहाँ पे बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो वो छोड़ना नहीं है। एक दो क्लासिफिकेशन का पार्ट और रह गया लिगेंड्स में, आज वो हम कंप्लीट करेंगे। बट नेक्स्ट टाइप के लिगेंड्स हम पढ़ते हैं क्लेटिंग लिगेंड। क्लेटिंग देखो लिखा है चिलेटिंग जाता है बट साइलेंट होता है, इसको क्लेटिंग बोलते हैं, क्लेटिंग लिगेंड, ठीक है। देखो जब कोई आपका पॉलीडेंटेट लिगेंड मेटल के साथ बाइंड करता है, ठीक है, व्हेन पॉलीडेंटेट लिगेंड्स बाइंड विद मेटल एटम, सो वो क्या करता है, मेटल के चारों तरफ एक रिंग की फॉर्मेशन करता है, ठीक है। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, ऐसे टाइप के लिगेंड जो क्या फॉर्म करे, रिंग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करे, उनको आप क्या बोलोगे, क्लेटिंग लिगेंड बोलोगे। तो आप क्या बोलोगे डेफिनेशन में, पॉलीडेंटेट लिगेंड, पॉलीडेंटेट भाई मोनोडेंटेट होता, सिर्फ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता, तो क्लोज रिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। उसके लिए कंडीशन क्या है, आपका लिगेंड कैसा होना चाहिए, पॉलीडेंटेट लिगेंड। तो पॉलीडेंटेट लिगेंड व्हेन बाइंड विद सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है, जब वो सेंट्रल मेटल एटम के साथ बाइंड करेगा, दे फॉर्म रिंग लाइक स्ट्रक्चर, दे फॉर्म रिंग लाइक स्ट्रक्चर। तो जब ऐसा बने उस चीज को हम क्या बोलते हैं, या उस लिगेंड को हम क्या बोलेंगे, क्लेटिंग लिगेंड, और उस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, क्लेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। और फॉर एग्जांपल भाई आपका निकल था, मैं दो एग्जांपल ले रही हूं, ठीक है, निकल है आपका, एक बार आपका ईन कंबाइन कर रहा है इथाइलिन डाइअमीन, ये कॉम्प्लेक्स है, और एक में आपका है निकल एनएच थ्री फोर टू पॉजिटिव, ठीक है, मैंने दो एग्जांपल लिए हैं, ऊपर वाले डेफिनेशन में लग कर दी हूं। पे जो निकल है आपको पता है इथाइलिन डाइअमीन, बेसिकली ईन क्या होता है, CH2 NH2 NH2, यही होता है। इट मीन्स इस स्ट्रक्चर को मैं अगर यहां बनाऊं तो ऐसे ही बनाऊंगी CH2 CH2, थोड़ा ऊपर बन गया CH2 CH2 NH2 NH2, ठीक है। और ऐसा ही एक और, क्योंकि दो ईन है आपके, ईन कितने हैं, ट्वाइस है, CH2 NH2 NH2, ठीक है। अगर मैं इसको अलग कलर से शो करूं तो देखो भाई ये नाइट्रोजन इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, इसके लोन पर ये इधर डोनेट करेंगे, यहां से ये डोनेशन और यहां से ये डोनेशन, ठीक है। सो देखो अगर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता तो यहाँ पे क्लोज रिंग स्ट्रक्चर बन जाती। तो देखो यहाँ पे मैं चेक करूं कितने मेंबर की रिंग बनी है, 1 2 3 4 और 5 मेंबर की बनी है, ठीक है। सेम लिगेंड है, निकल का भी चार्ज भी उतना ही है, लेकिन इसमें क्या है, अमोनिया है, NH3 है, सो निकल यहां पे क्या आएगा भाई, NH3 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 NH3, और सबके पास क्या है, एक एक लोन पेयर है, वो इसके साथ क्या बनाएंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या है, यहां पे कोई भी क्लोज रिंग स्ट्रक्चर, क्लोज स्ट्रक्चर नहीं बन रहा है, जबकि यहां बन रहा है, ठीक है। सेंटर एटम यहां पर भी निकल 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में, और यहां पर भी क्या है, वो 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है। बट मैं स्टेबिलिटी की बात करूं तो जो क्लेटिंग लिगेंड होते हैं वो क्या होते हैं, ज्यादा स्टेबल होते हैं। मीन्स यहां पर आपको क्लोज रिंग स्ट्रक्चर दिख जाए, ठीक है, वो चीज क्या होगी, ज्यादा स्टेबल होगी एज कंपेयर टू दिस, ठीक है। तो आप बोल सकते हो क्लेशन, इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, क्लेशन, ठीक है। तो
क्या लिखोगे आप? जो स्टेबिलिटी है आपकी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है क्रिएशन के, ठीक है? क्रिएशन क्या होता है? जो क्लोज लाइक स्ट्रक्चर बनता है, तो जितनी ज्यादा रिंग्स बनेंगी उतनी ही ज्यादा क्या होगी? स्टेबिलिटी होगी, ठीक है? जैसे हमने निकल में देखा था, दो रिंग बन रही थी क्लोज रिंग, ठीक है? तो वो क्या थी? स्टेबल थी। किसी में तीन रिंग बन सकती है, चार रिंग। अब मैं रिंग के मेंबर की बात करूं तो भाई अभी जो मैंने एग्जांपल दिया उसमें एक रिंग पांच मेंबर की थी, ऐसे ही आपकी छह मेंबर की भी बन सकती है, सात मेंबर की भी बन सकती है, तीन की भी बन सकती है, चार की भी। लेकिन जो सबसे ज्यादा स्टेबल होती है भाई, थ्री मेंबर की ज्यादा स्टेबल नहीं होती, थ्री से ज्यादा चार की ज्यादा स्टेबल होती, चार से ज्यादा पांच की स्टेबल होती है, पांच से ज्यादा छह की स्टेबल होती है, लेकिन सात की स्टेबल नहीं होती। ज्यादा स्टेबिलिटी किनकी है? फाइव मेंबर और सिक्स मेंबर रिंग ज्यादा स्टेबल होती है। और ये क्वेश्चन में वेरी करता है, कभी फाइव मेंबर सिक्स मेंबर ज्यादा स्टेबल हो जाती, तो किसी केस में फाइव स्टेबल हो जाती है सिक्स से, ठीक है? वो डिपेंड करेगा लिगेंड आप क्या ले रहे हो। लेकिन थ्री और फोर की ज्यादा स्टेबिलिटी नहीं होती तो ये नहीं बनने की कोशिश करती, और ना सात की होती, तो जनरली पांच या छह की ही रिंग बनती है, ठीक है? तो ये फिनोमिना था क्रिएशन का। आपसे पूछ सकते हैं एग्जांपल देख के भाई, ऐसे जनरल कोई दो एग्जांपल दे दिए, एक में क्लेटिंग लिगेंड दे दिया, एक में नॉर्मल दे दिया, और आपसे पूछ लेंगे कौन ज्यादा स्टेबल है, या सिंपल आपसे पूछ लिया डेफिनेशन पूछ लिया और एग्जांपल पूछ लिया, ठीक है? तो एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट टाइप के हमारे पास आते हैं होमोलेप्टिक एंड हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है भाई? देखो आपने एक चीज को देखे थे, होमो का मतलब क्या होता है? सेम होता है, और हेट्रो का मतलब क्या होता है? डिफरेंट होता है। इतनी बात समझ में आई? और लैप्टिक का मतलब आप सपोज कर लो लिगेंड, लैप्टिक एल एल से लिगेंड, याद रखो भाई। ऐसे कॉम्प्लेक्स जिसमें सेंट्रल मेटल एटम अगर सेम लिगेंड के साथ अटैच है तो वो होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स है, और अगर डिफरेंट लिगेंड्स है तो क्या है? हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स है, ठीक है? तो आप क्या बोलोगे? होमोलैप्टिक क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स इन विच सेंट्रल मेटल एटम इज लिंक विथ सेम टाइप ऑफ लिगेंड, सेम टाइप ऑफ लिगेंड, ठीक है? जैसे कि भाई हमने ये देखा था K4FeCN6 देखा था, ठीक है? इसमें जो कॉम्प्लेक्स के अंदर जो सेंट्रल मेटल एटम है उसके पास छह लिगेंड, और छह के छह क्या है? सेम है, सारे के सारे CN अटैच जो क्या है? सेम है। तो ये किस टाइप का कॉम्प्लेक्स होगा? ये होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स होगा। वहीं पे अगर हम हेट्रोलैप्टिक की बात करें तो एक ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें सेंट्रल मेटल एटम क्या हो? डिफरेंट लिगेंड्स के साथ अटैच हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप देख सकते हो कॉम्प्लेक्स इन विच सेंट्रल मेटल एटम इज लिंक्ड विद, किसके साथ? डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिगेंड इज नोन एज हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स, ठीक है? एग्जाम्पल के लिए अगर आप देखो तो भाई कोबाल्ट है के पास, ठीक है? कोबाल्ट के पास NH3 अटैच्ड है, सपोज करिए इसके पास चार NH3 हो गए और दो Cl अटैच्ड हो गए, प्लस वन इसके ऊपर चार्ज आ गया, ठीक है? सो कोबाल्ट के पास टोटल कितने लिगेंड? चार ये है और दो ये, सिक्स लिगेंड है, बट सिक्स के सिक्स क्या है? सेम नहीं है। तो ये कॉम्प्लेक्स क्या हो गया? हेट्रोलैप्टिक हो गया। वहीं पर अगर कोबाल्ट होता आपके पास और छह के छह अमोनिया होते, NH3 6 होता और थ्री पॉजिटिव चार्ज, तो भाई यहां पर भी कोबाल्ट की प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट है और यहां पर भी प्लस थ्री ही है, फाइंड आउट करके देखना। बट यहां पे सारे लिगेंड अमोनिया है तो ये होमोलैप्टिक का एग्जाम्पल, यहां पे अमोनिया नहीं है तो ये हेट्रोलैप्टिक
कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो आप इनको नोट डाउन करिए। स्टूडेंट्स अब देखिए, हम सीखते हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। भाई ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी होगी? सेंट्रल मेटल एटम की होगी, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर भी सेंट्रल मेटल एटम का होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या है कि भाई वो कितने सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड से कनेक्टेड है, ठीक है, उसने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं। तो अब देखिए भाई, आयरन है, सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड आउट करें। इसके साथ कितने लिगेंड अटैच्ड हैं? सिक्स। एक सीएन आपको पता है साइनाइड एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, ये मोनोडेंटेट है। तो छह लिगेंड कितने बनाएंगे? सिक्स। तो इस कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? सिक्स हो गया। इतनी बात समझ में आई? अब देखो मैं इसका क्या फाइंड आउट करूं, मैं दूसरे कलर से आपको शो करती हूँ, ठीक है, ताकि आपको सारी चीजें इजिली क्लियर हो। बेटा मिनट देखो, साइनाइड के ऊपर क्या है? माइनस वन चार्ज आपने सपोज किया, इसकी हमें ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है एक्स। ओवरऑल इसके ऊपर कितना चार्ज है? ओवरऑल एक सेकेंड, FeCN सिक्स, फोर माइनस था, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है फोर माइनस। सो भाई आप फाइंड आउट करोगे ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इसकी कितनी होगी? एक्स, ठीक है। यहाँ पे एक के ऊपर माइनस वन है, छह के ऊपर कितना होगा? माइनस सिक्स इज इक्वल टू, इस पूरे का चार्ज किसके बराबर आना चाहिए? माइनस फोर के बराबर आना चाहिए। तो एक्स की कितनी वैल्यू आएगी? प्लस सिक्स उधर जाएगा तो वैल्यू आएगी प्लस टू। मतलब यहाँ पे आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? प्लस टू है, ठीक है, इजी सा है। अब देखो नेक्स्ट वाला पार्ट देखते हैं। निकल है भाई, कार्बोनिल है सीओ, यहाँ पे कोबोल्ट नहीं है, कार्बोनिल है, ठीक है। एक कार्बोनिल एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, चार कितने बनाएंगे? चार कोऑर्डिनेट। तो निकल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? फोर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं, हमें फाइंड आउट करनी है। कार्बोनिल पे मैंने चार्ज बताया था, न्यूट्रल लिगेंड है, कोई चार्ज नहीं होता, तो निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? जीरो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, K3FeCN6, अगर मैं सेंटर एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट देखूं तो ये छह साइनाइड्स के साथ अटैच है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? सिक्स होगा। अब देखो पोटेशियम पे कितना चार्ज होता है? प्लस वन। आयरन का हमें फाइंड आउट करना है, साइनाइड पे कितना चार्ज होता है? माइनस वन, ठीक है। ओवरऑल मिला के जीरो के बराबर आना चाहिए क्योंकि मैंने एनायनों का टर्म शामिल कर लिया है, तो न्यूट्रल होगा। तो के थ्री कितना आ जाएगा? एक पे प्लस वन है तो तीन पे कितना होगा? प्लस थ्री। इसका हमें फाइंड आउट करना है, इस पे कितना हो जाएगा? माइनस सिक्स, किसके बराबर आना चाहिए? जीरो। तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? थ्री। मीन्स यहाँ पे आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? प्लस थ्री है, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखा आयरन EDTA, EDTA का स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था, और वहां से EDTA मैंने किसने बताया था? हेक्साडेंटेट लिगेंड बताया था। इट मीन्स ये छह कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है एक साथ, एक ही लिगेंड काफी है छह बॉन्ड बनाने के लिए, मतलब सराउंड करेगा वो आयरन को छह साइड से। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा भाई? सिक्स हो जाएगा। ये बात समझ में? लिगेंड एक है, साइड छह है, ये एक किलेटिंग लिगेंड है, हेक्साडेंटेट लिगेंड है, छह कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। और इसके ऊपर चार्ज मैंने आपको कितना बताया था? माइनस फोर होता है। हमें आयरन का फाइंड आउट करना है तो किसके बराबर आ जाएगा भाई? एक्स। टोटल इसका माइनस फोर, ठीक है, और इज इक्वल टू किसके बराबर आना चाहिए? माइनस वन के। तो एक्स फोर इधर जाए तो एक्स की वैल्यू आएगी प्लस थ्री, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू प्लस थ्री, इट मीन ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई? प्लस थ्री। तो आपको ये दोनों चीजें पता होनी चाहिए कि कोऑर्डिनेशन नंबर किसका कितना होगा, ठीक है। फिर सपोज करो मैं एक एग्जांपल देती हूँ, मान लीजिए आपके पास ये है निकिल है, इसके साथ लिगेंड है, एक ईन है और दो अमोनिया है। सपोज करिए ये है,
NH3 twice, ठीक है, 2 प्लस इस पे चार्ज। मैं इस पे पूछूं बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? भाई देखो अमोनिया, एक अमोनिया एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, दो अमोनिया कितने बनाएंगे? दो। और ये क्या है? बाइडेंटिक लिगेंड, ये अकेला एक लिगेंड क्या कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा? दो। इट मींस दो कोऑर्डिनेशन नंबर यहां से और दो यहां से, इट मींस निकल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया? 4 आया। ये चीज आपको समझ में आई? इसके मैं अगर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं तो ये भी न्यूट्रल होता है और ये भी न्यूट्रल है, ठीक है। इसकी आपको फाइंड आउट करें तो कॉम्प्लेक्स पे प्लस टू चार्ज निकल के भी ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आया? प्लस टू आया, ठीक है। तो आपको बुक्स में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे कि हाउ टू आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये चीजें आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस करिए ऐसे क्वेश्चंस की। सब बात करते हैं नोमेनक्लेचर की, किसके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की, ठीक है। भी आपको पता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है? आप एक ऐसा कंपाउंड होता है जो स्क्वायर ब्रैकेट्स में होता है, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट में आप सबसे पहले क्या लिखते हो? मेटल एटम, और उसके बाद क्या लिखते हो? लीगेंड लिखते हो, और कितने नंबर में अटैच्ड है वो। फिर इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर कैसा चार्ज होगा उसी के हिसाब से यहाँ कैटायन और एनायन आते हैं। अगर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हुआ तो यहाँ पे क्या आएगा? कैटायन आएगा। और अगर इस कॉम्प्लेक्स पे पॉजिटिव चार्ज हुआ तो यहाँ पर क्या आएगा? एनायन आएगा, ठीक है। तो ये सिंपल लिखने का तरीका है जो हम देख चुके हैं। अब हम इनके नेमिंग के तरीके देखते हैं, ठीक है। तो देखो भाई, लाइक सिंपल सॉल्ट, जो भी आप पढ़ते हो सिंपल सॉल्ट में, मैं आपको प्रॉपर तरीके का ऐसे नहीं लिखवा रही, रूल नंबर वन आपको ऐसे लिखने में आना चाहिए। आप जस्ट माइंड में रखेंगे, एग्जाम में कोई नहीं पूछेगा राइट डाउन द रूल्स फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, नहीं। वो आपको सिंपल एक सॉल्ट देगा और आपसे नेम पूछेगा। तो मैं आपको शॉर्ट में 4-5 रूल्स हैं वो आपको याद करवाती हूँ। पहला रूल क्या बोलता है कि जैसे हम पढ़ते हैं कि लिखते टाइम भी हम कैटायन को पहले लिखते हैं और एनायन को बाद में लिखते हैं, तो सिमिलरली नेमिंग के टाइम में चाहे आपका सिंपल कैटायन हो या कॉम्प्लेक्स कैटायन हो, हम पॉजिटिव चार्ज को नेम पहले देंगे, ठीक है। सो आप क्या लिखोगे? लाइक सिंपल सोल्स, जो नेमिंग है वो किसकी पहले नेमिंग करेंगे हम? कैटायन की, पॉजिटिव चार्ज वाले की नेमिंग क्या करेंगे? फर्स्ट करेंगे, फर्स्ट नेम, ठीक है। एनायन की क्या करेंगे? कैटायन के बाद में करेंगे, ठीक है भाई। इसको अगर एग्जांपल से समझना, तो देखो आप क्या लिखते हो, आपने ये एग्जांपल देखा K4Fe3N6 का, इसमें भाई ये पहले आया तो मैं इसी को लिखूंगी पोटेशियम, ऐसा नहीं कि मैं इनको पहले नहीं लिखूंगी, ठीक है। और अगर सपोज करो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता, ठीक है, और यहां पे Cl आता, तो मैं क्या करती? इस कॉम्प्लेक्स का नाम पहले करती, बाद में क्या लिखती? क्लोराइड लिखती। रूल नंबर वन का मतलब ये है कि आपको कैटायन का नेम पहले करना है और एनायन का नेम बाद में करना है, ठीक है। रूल नंबर टू क्या बोलता है कि कॉम्प्लेक्स पार्ट के अंदर आपको पता है क्या होते हैं? मेटल एटम होते हैं और लीगेंड होते हैं। लिखा मेटल एटम पहले जाता है, लीगेंड बाद में, गलती से भी ऐसा मत कर देना लीगेंड पहले और मेटल बाद में फॉर्मूला लिखते टाइम, बट नेमिंग लिखते टाइम रूल उल्टा है। लीगेंड पहले नेमिंग हम किसके करेंगे? लीगेंड की करेंगे, उसके बाद किसकी करेंगे? मेटल की करेंगे, ठीक है। तो क्या हुआ? लीगेंड को नाम हम पहले देंगे, लीगेंड को नाम फर्स्ट नंबर पे देंगे, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पे किसको देंगे? लास्ट में हम किसको देखेंगे? मेटल एटम को, किसके साथ? उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ में, ठीक है। अब लीगेंड को नाम पहले दे दिया, अगर सारे लीगेंड सेम है तो देखो यहां पे क्या आएगा? लीगेंड का नंबर आएगा। तो अगर लीगेंड दो है तो बाई यूज करोगे, तीन है तो ट्राई। लीगेंड के नंबर के लिए एक है तो सिंपल लिख दोगे, दो है तो क्या लिखोगे? बाई, तीन है तो ट्राई, फोर है तो टेट्रा, ये सब पता है, इतनी बात समझ में आई। और एक, देखो अभी तक हमने क्या सीखा? लीगेंड को नाम पहले करेंगे मेटल से, ठीक है, और जो जितना भी नंबर उसका होगा उसके लिए हम बाई, ट्राई, पेंटा, हेक्सा ये यूज करेंगे। सेकेंड चीज, अगर लीगेंड्स अलग अलग हैं, सपोज करो L1, L2, L3 है, तो उनका अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो नेम आएगा पहले उसको हम पहले लिखेंगे, और जिसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नेम बाद में आता है उसको बाद में लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल
अगर आपका ये होता कोबोल्ट, इसके साथ मैंने सीएल अटैच कर दिया, इसके साथ मैंने अमोनिया अटैच कर दिया, इसके साथ मैंने ब्रोमीन अटैच कर दिया, ठीक है, ये तीन लिगेंड अटैच कर दिए सपोज करिए, तो भाई मेरे को पता है ये क्लोरो है, ये अमाइन है और ये ब्रोमो है, ये क्या है क्लोरो। आप क्लोराइड दो भी लिख सकते हो, क्लोरो भी लिख सकते हो, क्लोरो, ठीक है, अमाइन ए डबल एम आई एन ई, और ये क्या है ब्रोमो या ब्रोमाइडो या इसको क्लोराइडो, ठीक है, कैसे भी लिखो। सो आपको पता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में भाई लिखे तो ये सीएल अमोनिया बी आर ऐसे लिखा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम नेमिंग भी यूं ही करेंगे क्लोराइडो अमाइन ब्रोमाइडो और फिर कोबाल्ट, ऐसा नहीं है। आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग चलोगे, पहले नाम दोगे अमोनिया को, अमीन लिखोगे, फिर ब्रोमाइडो लिखोगे, फिर क्लोराइडो लिखोगे। इतनी बात समझ में आई। और अगर यहां पे होता ये ट्वाइस होता तो आप क्या लिखते, डाई अमीन लिखते, तो डाई का डी कंसिडर नहीं करते अल्फाबेट में, ए ही देखते कि ए पहले आ रहा है, तो हम इसका नेम क्या लिखते, डाई अमाइन ब्रोमाइडो क्लोराइडो, ठीक है। नेक्स्ट चीज, अगर किसी के नेमिंग में ही ऑलरेडी अल्फाबेट आ जाता है, फॉर एग्जांपल आपके पास ये है, सपोज करिए ये है निकिल इन और एनएच थ्री ट्वाइस, सपोज करिए इसका नेम करना है, अभी मैं कॉम्प्लेक्स नहीं है, चार्ज वार्ज पॉजिटिव कुछ नहीं बता रही हूं, मैं जस्ट इसका नाम बता रही हूं आपको। तो भाई आपको पता है इसका नाम क्या होता है, इथिलीन डाई अमीन कर दो या इथीन वन टू डाई अमीन, दोनों ही करेक्ट है। आयु पैक के अकॉर्डिंग दे रहे तो इथीन वन टू डाई अमीन करो या फिर इथिलीन डाई अमीन, ठीक है। इसका नाम क्या होगा, अमाइन ए डबल एम आई एन ई। आपको पता है अल्फाबेट के अकॉर्डिंग ए वर्ड पहले आता है, ई बाद में आता है, तो हम इसको पहले देंगे, तो इसको मैं क्या लिखूंगी, डाई अमाइन, ठीक है, क्या लिख दिया मैंने, डाई अमाइन ए डबल एम आई एन ई। अब देखो भाई इन है, अगर ये भी टू होता तो मैं क्या लिखती, डाई इथेन वन टू डाई अमीन या फिर डाई इथीन इथिलीन डाई अमीन। भाई डाई डाई देखो इसके नाम में ऑलरेडी डाई आ रहा है, तो अब हम डाई यूज नहीं करेंगे आगे, ठीक है, उनके लिए हम लोग अलग वर्ड यूज करते हैं, बिस ट्रिस, अगर दो आता है तो क्या वर्ड यूज करते हैं, बिस, थ्री आता है तो ट्रिस, चार आता है तो टेट्राक्रिस, ठीक है, पांच आता है तो पेंटाक्रिस, सिक्स आता है तो हेक्साक्रिस। So, इसके नेम में ऑलरेडी नंबर का वन ये डाई ट्राई आ रहा है, तो नाम में हम क्या यूज करेंगे आगे, बेस, भाई ये तो हमने लिख दिया डाई अमाइन, फिर क्या लिखोगे, बेस, फिर क्या लिखोगे, इथिलीन डाई अमीन, ठीक है, ऐसे नेम करना है, ठीक है। तो हमने अब तक क्या देखा, रूल नंबर वन, कैटायन का नेम पहले, एनायन का नेम बाद में, ठीक है, चाहे वो कॉम्प्लेक्स हो या सिंपल हो यही फॉलो होगा। फिर हम कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, तो लिखते तो मेटल आगे लिगेंड बाद में, बट नेमिंग के टाइम में लिगेंड्स की नेमिंग पहले करेंगे और मेटल की बाद में करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ में। अगर लिगेंड एक से ज्यादा है, अलग अलग है, तो उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, ठीक है, और एक ही नंबर से ज्यादा तीन है चार है तो उनको बाय ट्राई पेंटा हेक्सा यूज करेंगे। और अगर किसी के नाम में ऑलरेडी बाई ट्राई आ रहा है तो उनके लिए बिस आगे बिस ट्रिस टेट्राक्रिस वर्ड यूज करें, ठीक है। तो पहले ये रूल इतने आप अच्छे से समझो, फिर हम आगे के रूल डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स अभी हमने देख लिया कि लीगेंड को नेम कैसे देखना है, अब हम देखें तो ये जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है इसमें जो ये मैटर है, ये कोई भी लीगेंड प्रेजेंट, इसमें जो मैटर है इसका नामकरण कैसे करेंगे। अब देखो अगर ये कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज, ये जो चार्ज होता है ये क्या हो सकते हैं, तीन टाइप के हो सकते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, ये जीरो हो सकता है, ये नेगेटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स हो सकता है।
तो अगर किसी ये जो कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट है ये पॉजिटिव या न्यूट्रल है तो हम मेटल के नाम जैसे हम बोलते हैं ना सेम मेटल का जो नॉर्मल नाम है वही दे देंगे। जैसे भाई निकल है तो निकल लिख दिया, कोबोल्ट है तो कोबोल्ट लिख दिया। बट अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसके नेम के लास्ट में क्या लगा देंगे, एट लगा देंगे लास्ट में। मेटल का नेम एज इट इज जो हम जानते हैं, बट अगर नेगेटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स है तो मेटल के नाम के लास्ट में एट लगेगा, ठीक है, अगर नेगेटिवली है। पर कुछ मेटल ऐसे हैं, या देखो ये ऐसे होता, एक रूल और देख लो। तो हमें देख लिया कि हमें कॉम्प्लेक्स और चार्ज देखना है, पॉजिटिव और न्यूट्रल है तो कोई लेना देना नहीं है, लास्ट में नेगेटिव है तो हम एट वर्ड यूज कर देंगे फॉर श्योर है। एक रूल और है कि कुछ नेम ऐसे हैं जिनके हम लैटिन वर्ड यूज करते हैं, जैसे लैड है, पीबी है, फॉर्म में क्या होता है सब पीबी। अगर मेटल एटम लैड होता है उसमें नेगेटिव चार्ज होगा तो हम लैडेट नहीं करते। लैड का लैटिन नाम प्लम या जो है प्लम्बेट लिखते हैं, ठीक है, इसके लैटिन वर्ड से इसका नेम दिया गया प्लम्बेट। ऐसे ही है तो आयरन है ना, आयरन क्या होता है आपका Fe, इसको हम क्या लिखते हैं आयरन, तो हम आयरनेट नहीं करते। अगर नेगेटिव चार्ज होता उसका हम लैटिन वर्ड यूज करते फेरेट। तो ये कुछ FeRAT, तो मैं कुछ नाम आपको बता रही हूँ। लेड के लिए हम प्लम्बेट यूज करेंगे कब, जब कॉम्प्लेक्स पे नेगेटिव चार्ज हो। आयरन के लिए आपका फेरेट, सिल्वर के लिए Ag के लिए आर्जिनेट, ठीक है, गोल्ड के लिए, गोल्ड क्या होता है Au, इसके लिए ओरिएट, ठीक है, और टिन के लिए स्टेनेट, टिन होता है आपका Sn, इसके लिए स्टेनेट। बस इतने ये जो आपको याद रखने, इससे ज्यादा नहीं है। बाकी तो अगर जैसे कॉपर हो तो उसका क्विपरेट कर देंगे, ठीक है, बाकी सिंपल है एट लगा के। तो ये कुछ रूल थे। अब ये रूल समझ में कब आएंगे, जब हम नेमिंग की प्रैक्टिस करेंगे। तो अब मैं आपको कुछ नेमिंग की प्रैक्टिस करवाती हूँ, तब तक आप ये रूल ध्यान से देखो। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने कुछ नेम लिखे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स पार्ट पहले लिखा है, तो मतलब ये पॉजिटिव चार्ज है, और ये पॉजिटिव चार्ज वाले का नेम मेरे को पहले करना है। मैं कॉम्प्लेक्स का नाम पहले करूंगी फिर इसका नेम करूंगी। अब कॉम्प्लेक्स में आपको पता है हम लिगेंड को नाम पहले देते हैं, मेटल को बाद में देते हैं, और ये पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो जो कि जरूरी है। अमोनिया पे कोई चार्ज होता नहीं है, क्लोरीन पे होता है -1, इसकी आपको फाइंड आउट करनी है। तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, एक्स प्लस 0 -3 किसके बराबर, 0 के बराबर। तो एक्स कितना आया आपका 3, इतनी कोबाल्ट की यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। किसी भी नामकरण करते टाइम आप क्या याद रखेंगे कि हमें सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है, जो कि हमने कर ली सेंट्रल मेटल एटम की। अब देखो हमें इसका नाम पहले करना है, जो पहले अब कॉम्प्लेक्स है तो इसका हम क्या लिखेंगे भाई, अमाइन एक ही लिगेंड है, कितने हैं 6 है, 6 है, तो क्या और लिखोगे आप, हेक्सा अमाइन, AMMIN, हेक्सा अमाइन। अब भाई कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव चार्ज है तो मेटल का सेम नाम आएगा, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, तो क्या हो जाएगा कोबाल्ट, BALTE कोबाल्ट, और रोमन नंबर में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है 3 है, 3 लिख दिया, और लास्ट में क्या है क्लोराइड, CHLORIDE। भाई जो क्लोराइड है ये चार्ज बैलेंसिंग के लिए, यहाँ पे अब क्लोराइड लिगेंड की तरह काम नहीं कर रहा है। अगर ये इसके अंदर होता तो मैं क्या लिखती, क्लोराइडो या क्लोरो लिखती, बट ये बाहर है सिर्फ चार्ज बैलेंसिंग के लिए, इसीलिए मैंने क्या लिखा है क्लोराइड। और ये जो नंबर है जो चार्ज बैलेंसिंग का आता है ये हम मेंशन नहीं करते, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, इसमें भी क्या है, ये कॉम्प्लेक्स पार्ट है एनायन पीछे, तो हम इसका पहले करेंगे। अब इसमें हम वही अल्फाबेट के अकॉर्डिंग लिगेंड्स का नाम करेंगे। आपका H2 है, H2O को आप क्या बोलते हो, एक्वा बोलते हो, और ये क्या बोलोगे आप, क्लोराइड या क्लोरो, ठीक है, क्लोराइडो या क्लोरो, दोनों में से कोई भी नाम कर देना। तो ये जो H2O है इसको हम क्या बोलते हैं, एक्वा, कितने एक्वा, 4, तो आप क्या लिखोगे, टेट्रा एक्वा। और जहां तक मेरी बात, जनरल बुक्स में आपको क्या मिलेगा,
सारे नेमिंग स्मॉल लेटर्स में है और विदाउट गैपिंग है, तो टेट्रा एक्वा। फिर क्या आएगा? डाई क्लोराइडो, ठीक है। फिर मेटल का नेम कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव है, तो जैसा मेटल आप क्रोमियम जानते तो आप क्या लिख दोगे? क्रोमियम, ठीक है। अब इस मैंने कहा था सबसे पहला काम ऑक्सीडेशन स्टेट कर, भाई हमने नहीं किया, वो करना जरूरी है। तो एक्वा पे जीरो चार्ज, क्लोरीन पे -1 होता है, नाइट्रेट पे कितना होता है? -1, ठीक है। तो यहां से जब आप क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करेंगे तो ये एक्स तो किसके बराबर आएगा? एक्स, ये जीरो, -2 -1 = 0, एक्स की वैल्यू आएगी 3। तो यहाँ पे रोमन नंबर्स में क्या लिख दोगे? 3। और ये क्या है? नाइट्रेट। तो लास्ट में क्या लिखोगे? सिंपल, नाइट्रेट, ठीक है। नेक्स्ट है, देखो ये अलग है, इसमें अब ये पहले आ गया है, पहले तो ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट कर लो, +1। ऑक्सीलेट पे मैंने आपको बताया था -2 होती है, ठीक है। सो इसकी हमने एक्स मान ली, कितना हुआ? +3 प्लस एक्स -6 = 0, फाइंड आउट करो तो एक्स की वैल्यू आएगी 3, ठीक है। तो आयरन की यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। तो देखो कैटायन का नेम पहले करोगे, और मैंने कहा था इसका नंबर से हमें कोई लेना देना नहीं है, तो आप सिंपल क्या लिखोगे? पोटेशियम, ठीक है। फिर ये कॉम्प्लेक्स पार्ट, कॉम्प्लेक्स में ये क्या है? ऑक्सलेट बोलते हैं हम इसको, ओ एक्स ए एल ए टी ई, और ये एनायनिक लिगेंड, मैंने कहा था ई को हम रिप्लेस कर देते हैं ओ से, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ऑक्सलेट। ये मैं बता चुकी हूं, कितने हैं? 3 है, तो क्या आएगा? ट्राई ऑक्सलेटो। फिर मेटल का नेम, अब मेटल यहाँ पे क्या, देखो नेगेटिवली चार्ज है, बाद में है आयरन है, तो आप आयरन नेम के पीछे 8 लगाते हो, आयरनेट तो नहीं होता, लेकिन इसका हम लैटिन वर्ड यूज लेते हैं, कौन सा? फेरेट। तो यहाँ लास्ट में क्या लिखेंगे? फेरेट। और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई? +3, ठीक है। सिमिलरली आपने नेक्स्ट है, अब देखो कॉम्प्लेक्स पार्ट पहले है पॉजिटिव, हमें इसको नाम देना है, इन है, सारे सेम लिगेंड है, आगे 3 है। अब यहाँ पे इसको हम क्या बोलते हैं? इनको इथिलीन डाई अमीन या फिर इथीन 1,2 डाई अमीन। ऑलरेडी डाई आ रहा है, इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? मैंने आपको बताया था बिस, इसके लिए क्या करेंगे? ट्रिस वर्ड यूज करेंगे, तो आप क्या लिखोगे? ट्रिस, फिर ब्रैकेट में लिख सकते हो, ठीक है। ट्रिस के बाद क्या आएगा आपका? इथेन 1,2 डाई अमीन, इथेन 1,2 डाई अमीन, ए एम आई एन ई, हो गया। ये पॉजिटिव चार्ज है तो क्रोमियम आएगा, आगे जगह नहीं, मैं यहां लिख रही हूं क्रोमियम। ऑक्सीडेशन स्टेट देखो फिर रहेगा, मैं इसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है, और फिर क्या आएगा पीछे? क्लोराइड। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आप फाइंड आउट कर लो, -1, इस पे कोई चार्ज होता नहीं है, इसकी फाइंड आउट करिए, +3 आएगी, तो रोमन नंबर में इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3। तो स्टूडेंट्स ये थे कुछ नेमिंग के रूल्स जो मैंने कुछ एग्जाम्पल भी कराए। अब क्या करने है आपको, जो भी बुक आपके पास है उनसे आपको प्रैक्टिस करनी है सभी नेमिंग्स की, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।